अच्छा, पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। अब मैं बताने वाली हूँ इसके उपाय क्या हैं, हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो सुपाच्य भोजन, अपनी थाली में सुपाच्य भोजन सामग्री रखें, और पिज़्ज़ा बर्गर पेस्ट्री इनसे परहेज रखें, फास्ट फूड से परहेज रखें। खाने पीने का जो समय है, निर्धारित समय, जैसे 8 से 7 से लेके और 8:30 के बीच में अपने को खाना हर हाल में खा लेना चाहिए। फिर बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। फिर इवनिंग आवर्स में 5 से 7 के बीच में खाना खा लो, तो जो रोटेशन है ना खाने का, और बीच में कुछ भी नहीं लेना, उससे खाना स्वाभाविक रूप से पच जाता है, तो डाइजेशन प्रॉपर होगा, तो ये फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर, हम लौकी का जूस ले सकते हैं, हम लौकी का सूप ले सकते हैं, ये भी सुपाच्य है, जिसकी वजह से फैटी लिवर को हम कंट्रोल में ले सकते हैं। तीसरा, हम जैसे ही आपको ज़्यादा लिवर की प्रॉब्लम है या ऐसे पता चलता है कि हमको फैटी लिवर है, तो जूसी डाइट ज़्यादा लें, जैसे अनानास का जूस है, मौसमी का जूस है, आप पपीता का जूस ले सकते हैं, आप जो पेय पदार्थ हैं वो आप बढ़ा दें। और चाय तो बिल्कुल ही इसमें ठीक नहीं है, चाय को आप बिल्कुल बंद कर दें। हाँ, आप एक अमलताश की चाय ले सकते हैं, अमलताश का काढ़ा या अमलताश के जो फली है वो मार्केट में मिल जाएगी, सहज उपलब्ध है, और आप उसको चाय की तरह से थोड़ा सा, आधी चम्मच के करीब, 1 गिलास पानी में डालें, उबालें, और मिठास के लिए उसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं, और इलायची तुलसी का पत्ता ऐड कर सकते हैं, और उसको छान के आप सुबह ही सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पी सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार।